नमस्कार दोस्तों, सीए न्यूज चिड़ावा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। ग्रामीणों ने सिंघाना बुहाना सड़क मार्ग को किया जाम। बग्गड़ के जय पहाड़ी में अपनी बहन के घर शोक सभा में बैठने आए पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़। सैनिक चेतराम मेघवाल का नम आंखों से किया अंतिम संस्कार। अब खबरें विस्तार से। सिंघाना उप तहसील के गुजरवास के ग्रामीणों ने पानी की चल रही कमी को लेकर बवाल मचा दिया। ग्रामीण महिला और पुरुषों ने बुधवार सुबह सिंघाना बुहाना सड़क मार्ग को जाम कर दिया व सड़क के बीचों बीच छड़ी व पत्थर डालकर सड़क को रोक दिया। जाम की वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई तथा जाम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सूरजगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम में जाने वाली गाड़ियां भी फंस गई। जाम लगा रही महिलाओं ने बताया, पिछले 15 दिन से पाइपलाइन टूटी हुई है जिससे पानी की किल्लत हो गई है। जैसे तैसे करके पीने के लिए तो काम चल रहा है लेकिन पशुओं के लिए पानी लाना मुश्किल हो रहा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आखिरकार हमने जाम का रास्ता अपनाया है। सड़क जाम की सूचना पर सिंघाना थाने के पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की लेकिन ग्रामीण जलदाय विभाग व सरपंच को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने दोनों को ही मौके पर बुलाया और पाइपलाइन ठीक करने का आश्वासन देने पर जाम खोला गया। पानी को न मारो, पानी की समस्या है ना, कोई चौड़ी को नहर पानी की समस्या करो। 15 दिन कोई पानी नहीं भर दे, माने कुआं को आंदोलन का डोल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कोई लुगाई बीमार हो रही, पानी कहाँ भरेंगे और कौन भर देगा। टेलीफोन से सूचना मिली कि पानी की बात को लेकर गुजरवास ग्राम में आम सड़क पर जाम लगा रखा है। इस पर मैं जाप्ता के तुरंत पहुंचे और उनको समझाइश की। वो मांग कर रहे थे सरपंच जी को बुलाओ, तो सरपंच हरिलाल जी को बुला करके इनसे पानी व्यवस्था कराने के लिए बातचीत करवाई गई और जिला विभाग के कर्मचारी को बुलाया। हाथ ही जाम को सटाया करे, सुचारू रूप से चालू करवाया करो। बग्गड़ के जय पहाड़ी में अपनी बहन के घर शोक सभा में बैठने आए पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़। 2 दिसंबर को राठौड़ के बहनोई इंजीनियर पहलाज सिंह शेखावत का निधन हो गया था। राठौड़ ने अपनी बहन से मिलकर परिवार को ढांढस बंधवाया। उनके साथ चूरू भाजपा अध्यक्ष वासुदेव चावला व सभापति विजय शर्मा व महेंद्र चंदवा व विशाऊ पालिका अध्यक्ष हारून खत्री मौजूद थे। खेतड़ी उपखंड के खरखड़ा गांव के सैनिक का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिनका उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार खरखड़ा निवासी चेतराम मेघवाल का सोमवार को कोयंबटूर ट्रेनिंग में दौड़ के दौरान तबीयत खराब होने की शिकायत सामने आई। मंगलवार सुबह करीब 12 बजे सैनिक का पार्थिव शरीर पैतृक गांव खरखड़ा पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। सैनिक के 15 साल के बेटे सौरभ ने पिता को मुखाग्नि दी। सैनिक के पार्थिव देह के साथ आए सिटी ड्राइवर अनिल कुमार ने बताया कि चेतराम मेघवाल भोपाल में 107 आरएफ हैंड कांस्टेबल पद पर सीआरपीएफ तैनात थे। कोयंबटूर में चेतराम की ट्रेनिंग चल रही थी। सोमवार सुबह करीब 9 बजे चेतराम ट्रेनिंग के दौरान दौड़ लगाकर जैसे ही रुके तो उनकी छाती में दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनिल ने बताया कि चिकित्सकों के अनुसार चेतराम की हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है। चेतराम की मौत की सूचना पर सोमवार से ही खरखड़ा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सैनिक अपने पीछे माता पिता, पत्नी, 18 साल की बेटी व 2 बेटे को छोड़कर गए हैं। सैनिक की अंतिम यात्रा में खेतड़ी विधायक पूरणमल सैनी व सरपंच राजेश सहित तहसीलदार बंसीधर योगी व आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। रनिंग किया, उसके बाद में सर आराम से हुआ, उनकी फिर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। उधर फिर तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आ गए हमारे, उनके वो लेकर करके डॉक्टर साहब सिविल मतलब हॉस्पिटल था अच्छा, उसमें लेके गए। वहाँ जाने के बाद में कब की घटना है? इस सुबह ही सर 9 बजे के बाद में। किस जगह है? कोयंबटूर। कोयंबटूर में क्या था इनका काम? चल रहा था। पार्थिव देख।